नमस्कार दोस्तों, सफरनामा एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसी जगह पर जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ धार्मिक भी है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र, जो बहुत ही लोकप्रिय जगह है। दोस्तों, वैसे तो सारे का सारा कुरुक्षेत्र ही देखने लायक है, पर मैं आपको 10 प्रमुख स्थलों पर लेकर के चलूंगा। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, देरी न करते हुए चलते हैं कुरुक्षेत्र। दोस्तों, अभी पहुंच गया हूं मैं ब्रह्म सरोवर, तो आइए करते हैं इस पावन स्थल के दर्शन। कुरुक्षेत्र, जिसका नाम सुनते ही मन में धार्मिक आस्था जागृत होती है। कुरुक्षेत्र हमें महाभारत के युद्ध की याद दिलाता है, पर महाभारत से पहले भी यह कुरुक्षेत्र का नाम प्रचलित था। कुरु नाम के राजा थे, जो कौरवों और पांडवों के पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने इस जगह पर कठोर तप किया और भगवान शंकर के बैल नंदी और यमराज के भैंसे पौंडरक द्वारा इस भूमि पर हल जोता था। इस प्रकार राजा कुरु के नाम से इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ब्रह्म सरोवर के सर्वेश्वर मंदिर का अलौकिक दृश्य। कुरुक्षेत्र में यह जगह है जहां कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ करके ब्रह्मांड की रचना की थी, जिससे इस पावन जगह का नाम ब्रह्मा जी के नाम से ब्रह्म सरोवर पड़ा। इसलिए ब्रह्म सरोवर को सभ्यता का उद्गम स्थान भी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ सूर्य ग्रहण के दौरान इस कुंड में स्नान करने आते थे। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से एक अश्वमेघ यज्ञ करवाने जितना पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस कुंड में कौरवों और पांडवों ने भी पवित्र स्नान किया है। गीता जयंती के अवसर पर नवंबर और दिसंबर महीने में ब्रह्म सरोवर को खूब सजाया जाता है और विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। सोमावती अमावस्या, गीता जयंती और सूर्य ग्रहण के अवसर पर ज्यादा भीड़ होती है। यह सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है, जो 1800 फीट लंबा और 1400 फीट चौड़ा है। यहाँ पर एक समय में लाखों लोग एक साथ स्नान कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, मनमोहक, अद्भुत और मनोरमणीय दृश्य आप देख रहे हैं ब्रह्म सरोवर का। ये बहुत ही विशाल काय सरोवर है, 4 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। रेक्टेंगल पौंड है, मैन मेड पौंड है, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं मैन मेड पौंड है ये। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में यहाँ पर सैनानी लोग आते हैं। विशेष करके ब्रह्म स्नान जो होता है, इसका कुंभ के मेले पे इसकी बहुत विशेषता है। दोस्तों, ब्रह्म सरोवर के 9 द्वार हैं। उन 9 द्वारों में 2 सेरेमनी गेट हैं, 1 सर्वेश्वर मंदिर का द्वार है और बाकी के जो 6 द्वार हैं वो महाभारत के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं और उन्हीं के नाम पर घाट के नाम रखे गए हैं, जैसे कृष्ण घाट है, अभिमन्यु घाट है, युधिष्ठिर घाट है, भीम घाट है। तो इस तरह से अलग अलग नाम जो है महाभारत के पात्रों के रखे गए हैं। तो 9 द्वार हैं, उन 9 द्वारों से आप इसके अंदर आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं आज ब्रह्म सरोवर में आया हूँ और यहाँ पर कलश यात्रा जो है यहाँ से स्थगित होने वाली है और पंडित जी मेरे साथ में है जो आगमन कर रहे हैं इस चीज का। तो आइए इनसे जानते हैं इस यात्रा के बारे में। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ से पांडव वृषभान जी बरसाने से नंद बाबा नंद गांव से आ करके यहाँ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर का स्नान किया है और पूजन किया है, श्री वसुदेव जी ने यहाँ पर अपनी जनता, अपनी प्रजा, पुत्र पौत्र सभी की शांति के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, इसी प्रकार से ये हमारे सारे कोई चंडीगढ़ से है, कोई लुधियाना से है, कोई एटा से, कोई आगरा से, कोई मेरठ से, कोई पटियाला से, लुधियाना से, दिल्ली से है, छतरपुर से है। तो ये सभी मिल करके यहाँ पर आज
श्रीमद् गीता धाम के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें प्रथम श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ की एक घट यात्रा, घट यात्रा बोलते हैं इसको। ये घट यात्रा क्या है कि यात्रा करने से यज्ञ में आने वाले विघ्न दूर होते हैं, इसलिए ये यात्रा की जाती है। और तीर्थ के प्रति अगर हम यात्रा करते हैं तो हमारी हर कामनाएं पूर्ण होती हैं। यही आशा लेकर ये दूर दूर से सभी भक्त आए हैं कि हमारी कामना ब्रह्म सरोवर पूरी करें। और हमारी यात्रा भी कथाओं की तीर्थ यात्रा की शायद यहीं से हम सबको खुला बोल रहे हैं, विश्राम करने जा रहे हैं। आगे वर्ष में एक वृंदावन में कथा होगी। तो अभी हम जा रहे हैं सन्निहित सरोवर की तरफ, जिसका भी अपना एक इतिहास है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा विस्तार से वहां पहुंचने पर। दोस्तों अभी मैं हूं सन्निहित सरोवर पर। सन्निहित सरोवर काफी प्राचीन सरोवर है। यह पवित्रम सरोवरों में से एक है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने दिव्य जनों की मुक्ति के लिए पिंडदान आदि का कार्य किया था। इस सरोवर के तट पर काफी सारे मंदिर हैं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, राम मंदिर, संतोषी मंदिर और साईं मंदिर। अगर इस सरोवर की परिक्रमा करें तो इसके चारों तरफ भी मंदिर हैं, जैसे कि दुख निवारण मंदिर और श्री दुख भंजन मंदिर। यह मान्यता है कि यहाँ पर 7 सरस्वती नदियां आकर के मिलती हैं। इस सरोवर में अमावस्या का स्नान काफी पुण्यकारी माना जाता है। यह स्थल पनोरमा श्री कृष्ण म्यूजियम और गुरुद्वारा 6वीं पातशाही साहिब के पास स्थित है। ज्योतिसर, दोस्तों यह स्थान कुरुक्षेत्र पहवा मार्ग पर स्थित है। यह माना जाता है कि महाभारत युद्ध के होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यहां अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने मोह से घिरे हुए अर्जुन को कर्तव्य की ओर प्रेरित किया। लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार इसी पावन भूमि पर आद्य ऋषि शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भागवत गीता दर्शन का मनन एवं चिंतन किया था। आज से 150 वर्ष पूर्व कश्मीर के महाराज ने यहाँ शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ज्योतिसर के तट पर अक्षयवट वृक्ष अभी भी स्थित है और उसके साथ ही श्वेत संगमरमर का अर्जुन श्री कृष्ण का रथ भी है, जो 1967 में कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जी ने बनवाया था। प्रत्येक वर्ष यहाँ गीता जयंती भी मनाई जाती है और इसी दौरान यहाँ अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। दोस्तों आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। ज्योतिसर में ये वो जगह है, ये वो वट वृक्ष है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो ये वो पावन स्थल है, आप इसके दर्शन कर सकते हैं मेरे सामने। आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ इसका। ये है वो अक्षय वट वृक्ष जो भगवद गीता का साक्षी है। यहाँ पर दूर दूर से सैलानी लोग आते हैं और दर्शन करते हैं इस पावन स्थल का। ये वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। Right now I am in a Jyotisar
and I am with having some people around here from Tamil Nadu, and he is a Venkatesha. So how are you, sir? Fine. So what do you feel about here, this place, Kurukshetra? Very nice place. We are very fortunate enough to visit this place of great importance Hindu culture. Okay. A great war took place and several lifestyle was established. Okay. So how much Safarnama was born here only. Okay. How much places you have visited here right now? I have been from Delhi. Okay. Then to Vrindavan, Mathura, Govardhan, Gokulam, now in Kurukshetra. So have you covered Brahamsarovar? Brahamsarovar. Yesterday evening we have been there. Brahamsarovar. Today we took bath in Brahamsarovar. Every morning we have taken bath at Brahamsarovar also. So look out, there has smiling faces, all the smiling faces from the Tamil people. So people around all over the world came here for the visit of the holy place. Yeah. So wonderful. Thank you very much. ये कुछ मार्केट है, आप बाहर देख सकते हैं, ज्योतिसर के बाहर की कुछ मार्केट है, यहाँ से कुछ आप लेना चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वहाँ भद्रकाली के टेंपल, ये भी यहाँ का एक विश्वसनीय स्थल है। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं माँ भद्रकाली के मंदिर में, ये भी एक सुतनीय शक्तिपीठ है माता का। तो चलिए करते हैं इस पावन स्थल के दर्शन। यह स्थान माँ शक्ति के 52 शक्तिपीठों में से 25वां शक्तिपीठ है, जहां बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं ने भगवती माँ की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की है। इस देवी को भद्रकाली का इतिहास दक्ष कुमारी सती से जुड़ा हुआ है, जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। जब सती अपने पिता राजा दक्ष द्वारा की गई अपने पति की निंदा सहन न कर पाई तो स्वयं को हवन कुंड में डाल दिया था। हवन कुंड से भगवान शिव सती का मृत शरीर लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को 52 हिस्सों में बांट दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इस जगह पर सती का दायां गुल्फ अर्थात घुटने के नीचे का हिस्सा गिरा था। यह भी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए भद्रकाली के मंदिर में सच्चे मन से पूजा की थी, और युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण और पांडवों ने यहां घोड़े चढ़ाए थे। तब से यह प्रथा चलती आ रही है कि मन्नत पूरी होने पर लोग यहां सोने चांदी और मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं लेके जा रहा हूं आपको थानेसर के मंदिर में, जो शिव जी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है यहां। तो चलिए करते हैं एक्सप्लोर। ये है भगवान शिव का प्राचीन मंदिर, थानेश्वर मंदिर। दोस्तों स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि कुरुक्षेत्र की यात्रा स्थानेश्वर मंदिर आए बिना सफल नहीं होती, और महाभारत से आज तक यही प्रचलन चला हुआ है। ये कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले यहाँ भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने यज्ञ किया था और भगवान श्री शिव शंकर से विजय होने का वरदान प्राप्त किया था।